हेलो फ्रेंड्स, सिटी स्कूल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षक साथियों, आज के इस वीडियो में हम शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 पुरस्कार क्या है और क्यों दिए जाते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिए जाते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार के मापदंड क्या होंगे, आवेदन कैसे करें, चयन प्रक्रिया क्या है और राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु शिक्षकों की पात्रता का शर्त क्या है और यह प्रारंभ कब हो रहा है और कब तक रजिस्ट्रेशन करना है, इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करने वाले हैं। चैनल पर बने रहिए अंत तक और इसका लाभ आप लेते जाइए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेने हैं और यहाँ पर टाइप करने होंगे आपको नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020। इसको क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आएगा नेशनल अवार्ड टू टीचर्स education.gov.in, इस पर हमको क्लिक करने होंगे और क्लिक करते ही एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा। इसको कट करने हैं और यहाँ पर इसका होम पेज आ जाएंगे। अब आपको कुछ सवालों के जवाब चाहिए तो यहाँ पर जो टैब दिया गया है उसको क्लिक करने होंगे। तो चलिए क्लिक करके देखते हैं, इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको आप अपना इसको पढ़कर समझ सकते हैं और अपना सवालों के जवाब इसमें पा सकते हैं। क्योंकि यदि आप हिंदी भाषी शिक्षक है तो इसको हिंदी में प्राप्त करने के लिए यहाँ पर राइट कॉर्नर पर हिंदी दिया गया है, इसको आप क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे ये हिंदी में हो जाएंगे और इसमें क्लिक करेंगे पूछे जाने वाले प्रश्न। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? तो यह इसको जैसे ही क्लिक करेंगे इसका आंसर आ जाएंगे। देश के जिन शिक्षकों ने अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से अपने छात्रों के जीवन को समृद्ध किया है और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, उनमें से कुछ बेहतरीन शिक्षकों के अद्वितीय योगदान का सम्मान देने के लिए यह पुरस्कार कार्यक्रम मनाया जाता है। ये हुआ पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा है, शिक्षकों को कौन और कैसे सम्मान कर रहा है? तो इसका आंसर नीचे दिया गया है। 1958 में स्थापित शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति या भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा 5 सितंबर अर्थात शिक्षक दिवस के अवसर पर हर साल प्राथमिक और मध्य माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले मेधावी शिक्षकों को सार्वजनिक मान्यता देने के लिए यह दिया जाता है। शिक्षा मंत्रालय की समग्र देखरेख में NAT का निष्पादन किया जा रहा है। तो इस प्रकार इसका सवाल का जवाब हो गया। इनमें अन्य सवाल भी है, किसको नामित किया जाता है, एक शिक्षक को कौन नामित कर सकता है, पुरस्कार के लिए कौन पात्र नहीं है, आवेदन के लिए मूल्यांकन मापदंड क्या है, इन सारे सवालों का जवाब यहाँ पर दिया गया है। आप इसको क्लिक करके इसका जवाब पा सकते हैं। तो चलिए दूसरा है, इसको दिशा निर्देश को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है दिशा निर्देश, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर दिया गया है पुरस्कारों हेतु विचार करने के लिए शिक्षकों की पात्रता की शर्तें। अर्थात शिक्षक यदि इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जब फिलअप करता है तो उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि उनकी पात्रता की शर्तें क्या है। तो सबसे पहले आप पात्रता देख लीजिएगा, यदि आप पात्र हैं तो आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसमें टोटल 6 इसमें दिए गए हैं, कुछ बिंदु दिए गए हैं, इसको आप पढ़िएगा और इसके लिए यदि पात्र है तो ऑनलाइन करेंगे। अगला है, विभिन्न स्तरों के शिक्षकों का चयन करने की दिशा निर्देश हेतु विचारणीय बातें, ये जो बातें हैं, दो बातें हैं, इसको आप पढ़ेंगे भली भांति और समझेंगे। तो यहाँ पर दिया है विषय वस्तु मापदंड, इसके अंतर्गत शिक्षकों को प्रत्येक वस्तु मापदंड में अंक दिए जाएंगे। इस मापदंड का भारांक 100 में से 20 है। तो इसका नीचे में और दिया गया है, देखते हैं ये वाला भाग, राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए मूल्यांकन मैट्रिक्स। तो पहला इसमें जवाब दिया, प्रश्न दिया गया है, ये है 20 मार्क्स का, इनमें टोटल 100 मार्क्स होंगे जिनमें से पहला मापदंड में प्रथम भाग में ये 6 प्रश्न दिए गए हैं, इनके आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे और इस अंक के आधार पर आपका राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन होगा। दूसरा मापदंड और दिया गया है नीचे में, इसमें 3 मापदंड दिए गए हैं जिनमें से आपको 80 अंक प्राप्त होंगे, तो इस अंक के आधार पर आपका चयन होंगे। यहाँ पर दिया गया है कुल अंक 100 दिया गया है, तो 100 में से आपको जितने प्राप्त होगा उसकी वरीयता के आधार पर आपको यह मापदंड के हिसाब से इसका चयन होगा। तो
तो यहाँ पर राज्य संघ शासित प्रदेश संगठन अनुमत नामांकित कितने शिक्षकों का इसमें चयन होगा, तो यहाँ पर दिया गया है, तो चूंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ का है 3 शिक्षकों का दिया गया है अधिकतम नामांकन है। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ सवाल के जवाब यहाँ पर दिए गए हैं। आवेदन और चयन प्रक्रिया, आवेदन कैसे करना है और चयन की प्रक्रिया क्या होगी, उसमें यहाँ पर 6 बिंदुओं पर दिया गया है, इसको आप पढ़िएगा। इसमें दिया है जिला चयन समिति, यहाँ पर कुछ चयन समिति जिला स्तर पर दिया गया है, कौन कौन होंगे इसकी जानकारी यहाँ पर दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके पश्चात है राज्य चयन समिति, यहाँ पर और दिए गए हैं राज्य में किस प्रकार से चयन करेंगे। यहाँ पर देखिए संगठन चयन समिति अन्य संगठनों के लिए किस प्रकार से मापदंड दिए गए हैं, और यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र ज्यूरी, तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर पुनः दिए गए हैं, तो इसको आप इसको भलीभांति पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के पश्चात अब इसको यदि आप भलीभांति समझ चुके हैं, अब इसमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन किस प्रकार करना है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं, ये दिया गया है लॉगिन, तो इस लॉगिन पर हमको क्लिक करने होंगे इस तरह से। तो यहाँ पर लिखा है एप्लीकेंट और नेट अथॉरिटी, यदि आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जो कि मोबाइल नंबर होगा और पासवर्ड यहाँ पर फिलअप करेंगे और कैप्चा कोड और लॉगिन करेंगे। चूँकि हम पहली बार इसमें आए हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो हमको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन दिया गया है, इसको हमको क्लिक करने होंगे। तो चलिए मैं कर लेते हूँ, न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक कर लिया। यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन टाइप, इसमें करेंगे हम गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल अंडर स्टेट या UTS। दूसरा दिया है केंद्रीय विद्यालय संगठन, और तीसरा दिया है नवोदय विद्यालय समिति। चूँकि हम गवर्नमेंट के हैं तो यहाँ पर हमको फर्स्ट ऑप्शन को चयन करना होंगे। यहाँ पर अपना नाम फिलअप करने होंगे, मिडिल नेम यहाँ पर इंटर करना है, और लास्ट में इसमें नाम एंटर करना है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आप इंटर कर देंगे, और उसके पश्चात यहाँ पर ईमेल को भी इंटर कर देना है, और इंटर करने के पश्चात नीचे में जो कैप्चा दिया गया है उसको यहाँ पर फिलअप करना है। तो चलिए कैप्चा फिलअप कर लेते हैं। कैपिटल तरह से यहाँ पर आ गया नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2022 एप्लीकेंट्स रजिस्ट्रेशन डिटेल, यहाँ पर देखिए ऑर्गेनाइजेशन नेम दिया गया है और मोबाइल नंबर यदि गलत होगा तो इसको चेंज कर सकते हैं, पुनः वापस आएंगे, और ईमेल आईडी दिया गया है। उसके पश्चात यहाँ पर टिक कर लेना है, यदि यह जानकारी सही है तो इस पर टिक कर लेना है। उसके बाद सेंड एक्टिवेशन लिंक टू एबो ईमेल, इस ईमेल पर यहाँ पर एक्टिवेशन लिंक भेजा जाएगा, इसको हमको क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं, यहाँ पर ओके करेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं ईमेल को, ईमेल में आया है कि नहीं है, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि ईमेल में देखते हैं तो यहाँ हेल्प डेस्क नेट NAT नेशनल अवार्ड फॉर टीचर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लिंक आया है, तो इस लिंक को हमको क्लिक करने होंगे। ऐसे को क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर प्रोसेस करना है, प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपको मोबाइल नंबर दिखाई देंगे, और यहाँ पर कैप्चा कोड है, तो यहाँ पर कैप्चा कोड को इंटर करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, तो आपके जो मोबाइल नंबर जो दिए थे उस मोबाइल नंबर पे यहाँ पर OTP प्राप्त होगा, उस OTP को यहाँ पर इंटर करने होंगे। तो चलिए इंटर कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमको कंफर्म OTP पर क्लिक करने होंगे, और यहाँ पर मैसेज आया है मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल कंप्लीटेड, काइंडली सेट ए पासवर्ड फॉर लॉगिन प्रोसीड, अर्थात यहाँ पर हमको पासवर्ड यहाँ पर बनाने होंगे, तो किस प्रकार से बनाएंगे आइए देखते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है पासवर्ड लेंथ मस्ट बी मिनिमम 8 करेक्टर का होना चाहिए, और यहाँ पर लिखा है A to Z, अर्थात ये करेक्टर में होना चाहिए, एक लोअर केस में और अपर केस दोनों का यहाँ पर मिश्रण होना चाहिए। उसके बाद लिखा है यहाँ पर एटलीस्ट 1 नंबर, और एक न्यूमेरिकल नंबर भी डालना है, और एक स्पेशल करेक्टर भी यहाँ पर एंटर करने होंगे। उसके साथ यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर पुनः लिखेंगे इसको, और यहाँ पर सेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर लिखा है पासवर्ड हैज़ क्रिएटेड सक्सेसफुल, काइंडली लॉग इन इंटू पोर्टल, सबमिट सेल्फ नॉमिनेशन फॉर्म। इसको इस तरह से हमारा जो नॉमिनेशन है, रजिस्ट्रेशन, वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर लॉग इन पेज पर क्लिक करेंगे,
और यहाँ पर हमको एप्लीकेंट पर ही रहने देना है, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पर पासवर्ड जो अभी हमने क्रिएट किया है, और यहाँ पर इसको कैप्चा को क्लिक यहाँ पर इंटर करने होंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हमको लॉगिन करना है। तो यह प्रोसेस हमको कब से करना है, तो चलिए देखते हैं कब से करना है। यहाँ पर होम पेज पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जानकारी दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं 1 जून 2022 से 20 जून 2022 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए वेब पोर्टल खोलना, यहाँ पर 1 जून से 20 जून तक इसको कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर लिखा है 1 जुलाई 2022 से 15 जुलाई 2022 तक। तो जिला चयन समिति का नामांकन राज्य चयन समिति को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अग्रेषित करना, और उसके साथ यहाँ पर 16 जुलाई 2022 से 30 जुलाई 2022 तक राज्य चयन समिति की शॉर्ट लिस्ट को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वतंत्र राष्ट्रीय जूरी को अग्रेषित करना, और लास्ट में यहाँ पर दिए होंगे जो 5 सितंबर है जो शिक्षक दिवस है, उस दिवस को यहाँ पर यह पुरस्कार शिक्षक दिवस के अवसर पर दिया जाता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ यदि चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।